हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द स्पॉयलेज। ये जो स्पॉयलेज जो टॉपिक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इन फार्मेसी। तो ये जो चैप्टर है, इस पर हम तीन वीडियो बनाने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन होगा उसका और उसके डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। बाद में जो सेकेंड वीडियो है, उसमें हम देखेंगे उसके टाइप देखेंगे हम, उसके कौन से टाइप है, दैट इज़ अ फिजिकोकेमिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल स्पॉयलेज हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में। और जो थर्ड वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे कौन से रीजन्स है जिससे फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज होता है। उसके बाद हम उसके फैक्टर देखेंगे, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्पॉयलेज के लिए और कौन से सोर्स अफेक्ट करते हैं स्पॉयलेज के लिए। तो इस स्पॉयलेज चैप्टर पर तीन वीडियो रहने वाले हैं, तो आप तीन वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम देखने वाले फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ स्पॉयलेज। स्पॉयलेज यानी क्या? स्पॉयलेज यानी जो हमारा फूड होता है या फिर कोई सॉल्यूशन होता है उसका खराब हो जाना, इसको हम स्पॉयलेज कहते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्पॉयलेज। द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पॉयलिंग स्पेशली द डिटोरेशन ऑफ फूड एंड अदर पेरिशेबल गुड्स। मतलब फूड में डिटोरेशन, मतलब वो फूड का खराब हो जाना ही, उसको हम स्पॉयलेज कहते हैं। एनी चेंज विच रिटेन द प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब वो जो प्रोडक्ट होता है उसका ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होना जो ह्यूमन के लिए अनएक्सेप्टेड है, मतलब वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उस प्रोडक्ट को हम स्पॉयलेज प्रोडक्ट या फिर वो खराब प्रोडक्ट कह सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स इवेंट इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल्स एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इंटरैक्ट। मतलब इनमें ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, स्पॉयलेज का जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल होता है और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ उसमें होती है, तभी वो प्रोडक्ट स्पॉयलेज होता है। वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लीड टू अ प्रिजर्वेशन। मतलब इसका मेन कारण क्या है, प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं केमिकल में या फिर कुछ ड्रग फॉर्म में, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल है प्रिजर्वेटिव का। मतलब लीड टू प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्वेशन में कुछ कमतरता होने से ही उस प्रोडक्ट में स्पॉयलेज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोबियल स्पॉयलेज। दिस रेफर टू द डैमेज टू फूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट कॉज बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर एवरीवेयर अराउंड अस। देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। आप सभी को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट, ये एनी टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं उस फूड को या फिर जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन से टाइप है स्पॉयलेज के। तो सबसे पहले आता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज, उसके बाद आता है नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ स्पॉयलेज इसका थ्री टाइप्स, देर आर थ्री टाइप्स। हाईली पेरिशेबल, उसमें क्या आता है, मीट, फिश, एग, मिल्क, मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब ये हाईली पेरिशेबल जो टाइप है, इसमें वो जो ये जो प्रोडक्ट है, जो एग्जांपल हमने देखे, इसमें ज़्यादातर के स्पॉयलेज होता है। उसके बाद सेमी पेरिशेबल, उसमें आता है पोटैटो, सम एप्पल्स, वेजिटेबल्स, वैराइटीज, नट्स, मीट। ये क्या है, ये सेमी परमेबल टाइप्स है। ये जो होते हैं, ये उससे जो हमने देखा हाईली परमेबल, उससे ये कम स्पॉयलेज होते हैं। उसके बाद आता है नॉन पेरिशेबल और स्टेबल। ये क्या, शुगर, फ्लोर, ड्राई बीन्स, ये क्या होते, स्टेबल होते, इसमें ज़्यादातर के स्पॉयलेज नहीं होता। बाद में देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। इन फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज द स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स आर रेफर्ड एज अ changes in physical and chemical properties in a such a way that the formulation of a therapeutic agents gets deterioration and become a not suitable for a use। मतलब
ये जो फार्मास्यूटिकल्स फॉयलेज या मतलब जो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते API होते एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते वो क्या होते वो स्पॉयलेज होते बाय द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होने से ये स्पॉयलेज होते। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स एक्टिव ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन एडिटिव्स ड्रग एंड एक्टिव ड्रग्स इसमें प्रेजेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते। इफ एनी चेंज इन देयर एफिशिएंसी एक्शन ETC इज सेड टू बी अ स्पॉइल प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी अ यूज। जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट के जो एक्टिव ड्रग और फार्मुलेशन एडिटिव जो होते उसमें अगर कोई इफिशियंसी और उसके एक्शन में कोई चेंज दिखाई देता है तो उस प्रोडक्ट को हम स्पॉयलेज कहते हैं एंड दिस इज नॉट बी यूज, मतलब ये प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करते। उसके बाद देखेंगे फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। देयर आर अ सेवरल फैक्टर्स दैट कॉज फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज मेनली द स्टडी अबाउट द माइक्रोबियल स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब मेनी ऑफ थिंग्स दैट कॉजेज द फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। इसमें आते हैं सम फिजिकल सम केमिकल एंड सम माइक्रोबियल। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल। जो डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू अ फिजिकल फैक्टर लाइक हीट टेम्परेचर इवेपोरेशन। मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते उसका स्पॉयलेज फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर इवेपोरेशन हीट इससे क्या होता है वो प्रोडक्ट का डैमेज होता है और वो प्रोडक्ट स्पॉयलेज होता है। सपोज हम सिरप अगर लेंगे या फिर इमल्शन लेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि इसको स्टोर करें फ्रीजर में स्टोर करें या फिर रूम टेम्परेचर में स्टोर करें। अगर हम उस प्रोडक्ट को हम अगर हीट में स्टोर करेंगे तो वो क्या होता है स्पॉयलेज होता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो ये आता है फिजिकल में। तो फिजिकल फैक्टर लाइक हीट टेम्परेचर इवेपोरेशन इन प्रोडक्ट को क्या करता है स्पॉयलेज करता है। तो उसके बाद देखेंगे हम केमिकल से कैसे स्पॉयलेज होता है। तो डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस फोटोलाइसिस एंड आयोनाइजेशन। मतलब ये जो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस इसमें क्या होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्पॉयलेज होते हैं ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर एक सॉल्यूशन में अगर दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया तो उसमें अगर रिएक्शन हुई तो वो क्या होता वो क्या हो क्या हो क्या होता है स्पॉयलेज होता है। मतलब सपोज एसिड में हम अगर बेस डालेंगे तो उसमें रिएक्शन हो गया वो न्यूट्रल हो जाएगा और बाद में उस प्रोडक्ट का डैमेज हो सकता है। तो इस तरह केमिकल से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्पॉयलेज होते हैं। उसके बाद देखेंगे माइक्रोबियल से कैसे स्पॉयलेज होता है। तो द डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ एनी माइक्रोबियल सेल्स लाइक बैक्टीरिया फंगाई मोड्स ETC। मतलब द माइक्रोबियल सेल्स लाइक बैक्टीरिया फंगाई या फिर मोड्स अगर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में अगर इसको हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अगर कंटेमिनेट करते तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो स्पॉयलेज हो जाता है। मतलब सपोज एक स्टराइल प्रोडक्ट है स्टराइल जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर माइक्रोबियल अगर चले गए या फिर जो बैक्टीरिया चले गए तो वो जो कंपाउंड या फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो स्पॉयलेज होता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो ये थे माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबियल स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। द माइक्रोबियल स्पॉयलेज इंक्लूड द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द माइक्रोब्स विच लीड टू अ स्पॉयलेज ऑफ प्रोडक्ट अफेक्टिंग द ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड नॉट इफ इंटेंट फॉर यूज। मतलब माइक्रोबियल जो इन फार्मास्यूटिकल जब माइक्रोबियल स्पॉयलेज जब होता है तब उस प्रोडक्ट को यूज़ किया नहीं जाता। मतलब वो क्या करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को ख़राब करता है और ड्रग की जो क्वालिटी होता है वो ख़राब कर देता है। इसलिए वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। जो फार्मास्यूटिकल मतलब जो स्पॉयलेज प्रोडक्ट होते वो हम यूज़ नहीं करते इन फार्मेसी। शॉर्टली द माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज डिटोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद द कंटेमिनेशन माइक्रोब्स इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
मतलब ये माइक्रोबियल जो स्पॉयलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को डैमेज करते हैं और इसकी इंटेंसिटी मतलब वो प्रोडक्ट की इंटेंसिटी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए ये जो माइक्रोबियल स्पॉयलर जो प्रोडक्ट होते हैं ये हम फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर्मेशन और या ड्रग प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। आज के इस वीडियो में हमने देखा स्पॉयलेज का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन देखी, स्पॉयलेज किस तरह होता है, स्पॉयलेज का मीनिंग क्या है, फार्मेसी में स्पॉयलेज कैसा होता है, फूड का स्पॉयलेज कैसा होता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। और इसके बाद हम देखने वाले द टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल स्पॉयलेज, ये हम देखने वाले अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि हमारे लेटेस्ट जो वीडियो होते हैं वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।